अभियान में एक एक चीज जल का संरक्षण करेंगे। अब आप बताइए जल स्तर को करने के लिए तो कई तरह की बात है, तो जो अतिक्रमण हो गया है पोखर तालाब आहर पाइन अतिक्रमण से मुक्त, और अतिक्रमण से मुक्त कराकर जितने आहर पाइन है पोखर है तालाब है सबका जीर्णोद्धार करना और उसका अगर आकार बढ़ सकता है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करना। और फिर तीसरी बात, हम बार बार हम जो कहते रहते हैं लोगों को कि भाई हर घर नल का जल दे रहे हैं तो उसका इस्तेमाल करिए पीने के लिए, बाकी जो पहले कुआं हुआ करता था, बीच में हम लोगों ने चापाकल की शुरुआत कराई तो कुआं लोग खुल करके चापाकल पर सोचने लगे, और चापाकल के बाद सबके मन में इच्छा होती थी कि शहरों में बड़े शहरों में तो नल का जल है हम लोगों को नहीं, तो वो जब देने लगे तब कितना अच्छा लोगों को लगने लगा, लेकिन अब हमको भी लगता है कि उसका उपयोग करें सब उपयोग करें। तो इसलिए हर कुएं का जीर्णोद्धार सार्वजनिक स्थल पर, किसी के घर के अंदर कुआं है तो उनके ऊपर, या अब नहीं है इतना घर का बंटवारा हो गया कि पहले जो देखने में कैसा लगता था घर अब उसको जाइएगा तो इतना टुकड़ा में बट गया परिवार के बंटवारे में कि अब घर के अंदर कहां किसको चपक ये नल ये होगा कुआं बहुत कम होगा, वो लोग अपना भी कर ले, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर जितने कुएं पूरे बिहार में, और जिसका चीफ सेक्रेटरी ने भी बताया सब लोगों ने बताया कि भाई उसका हम लोगों ने पूरा का पूरा सर्वेक्षण किया और उसके आधार पर हर कुएं का जो सार्वजनिक स्थल पर है उनका जीर्णोद्धार, और जो हमारा चापाकल भी हम लोगों ने दिया हर चापाकल जो सार्वजनिक स्थल पर है उसको मेंटेन करके हम लोग रखेंगे। और ये बात बता दिया कि जो भी सार्वजनिक कुआं है चापाकल है नलकूप के किनारे है उसका सोखता का निर्माण, सोखता का निर्माण क्योंकि आप उपयोग करिएगा वो जो पानी है शेष वो नीचे चला जाए तो सोखता का निर्माण हम लोग इसके लिए करेंगे। यह चौथा चीज है। और पांचवा चीज है, अब जितना पहाड़ है जंगल पहाड़ी क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए छोटी नदियां हैं उसके जल संरक्षण में तो चेक डैम आदि संरचनाओं का निर्माण, इस पर काम हो रहा है, प्रेजेंटेशन भी आपको दे दिया गया। और फिर जो हमने बता दिया कि जो गंगा जल है उसकी उद्वय योजना उसके माध्यम से हम लोग जो देंगे गया बोधगया को राजगीर को नवादा को या अन्य और जो जगह उसके बारे में दिखेंगे जहां देना जरूरी है वहां पर जो करेंगे वो उसकी हमने चर्चा कर दी, वह भी इसका हिस्सा है। और एक जिसके बारे में आपको जानकारी दी गई वह दिया गया है जल संचयन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी है, पानी पड़ता है छत पर जो पानी है अगर उसको हम पाइप के द्वारा उसकी हार्वेस्टिंग हम लोग कर दें और धरती को उसको नीचे हम उसको पहुंचा दें 40 फीट तक अधिक से अधिक, उसके बारे में है लक्ष्य। और ये काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है, भवन निर्माण ने शुरू किया, अन्य विभागों ने भी, जितने भी हमारे सार्वजनिक भवन हम लोग उसी भवन से ये काम शुरू कर देंगे और शुरू करवा देंगे। और इसके बाद लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई आपके घर के ऊपर है तो आप इसको नीचे ले जाइए, और खास करके जो मल्टी स्टोरी है और नगर विकास के लोगों को ये देखना है, भवन निर्माण विभाग देख रहा है, अन्य विभाग के लोग हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में तो कर ही रहे हैं, लोगों को प्रेरित करना है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग सब जगह जल संचयन कराए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, छत पर का जो पानी है उसी वर्षा के जल का नीचे तक पहुंचाना, इससे जल स्तर ऊंचा होगा, ये है सातवां। और उसके बाद जो जिसकी चर्चा हम करती है पौधशाला का, हम लोग तो पेड़ लगाना चाहते हैं पौधा भी नहीं तो पौधशाला का भी निर्माण सृजन कर रहे हैं और उसके अलावा पेड़ का निर्माण जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया तो उसका अधिक से अधिक करना। और एक बार जान लीजिए हमने जो कहा पथ निर्माण विभाग ग्रामीण कार्य विभाग कि भाई सड़क के किनारे तो पेड़ लगाना ही है, हम चाइना गए हुए थे उसमें हम गए थे लगभग 250-300 किलोमीटर बाय रोड ट्रेवल किए थे, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में ले जाया गया था, और जो हमने सड़क के दोनों किनारे देखा कई रो में पेड़ लगा था, हमको लगता सिद्धार्थ जी थे ही, तो कई रो में पेड़ लगा हुआ जो सब लोग जो गए थे देखा। तो हमने जो सुझाव दिया है कि भाई ये मत सोचिए कि जो आपका ये जो सड़क है उसके किनारे किनारे सिर्फ दोनों तरफ एक ही पेड़ लग सकेगा, एक रो
कहीं रो लग सकता है, अगर ज्यादा ऊंचाई है तो और रो पर देखिए, और उस तरह से ग्रामीण कार्य का भी उसमें ज्यादा ऊंचाई नहीं है तो एक लगेगा, और उससे अधिक की संभावना तो उससे अधिक लगाइए। उसी तरह से सिंचाई का भी जितना जो उस तरह का है, बांध वगैरह है सब में करना, हर तरह से जितने काम हो रहे हैं नदियों का जो तालाब पोखर ये सब की बात जो हम लोगों ने की, आहर पैन सब की बात, उसके किनारे भी पेड़ लगाना, तो जो हम लोगों का लक्ष्य है कि भाई 17% पर जाएंगे, इसके बाद हम उससे भी ज्यादा जाएंगे, उससे भी ज्यादा पहुंच जाएंगे, इसकी पूरी संभावना। तो हम लोगों ने इसके बारे में जो शुरू किया है ये पौधशाला सृजन और सघन वृक्षारोपण, सघन वृक्षारोपण ये हमने बता दिया, इस तरह से हम लोग करने वाले, तो ये शुरू होगा। और फिर मौसम के अनुकूल कृषि का, ये हम लोग बहुत दिनों से कहते रहे लोगों, और अब कम से कम ये काम प्रारंभ हुआ है। इसके लिए हमने कहा था कि भाई ये 16 में ही जा करके हमने देख करके कहा था, इसके लिए बिल्कुल यहाँ पर एक कंपेन का चलना चाहिए और एक अनुसंधान का होना चाहिए और लोगों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। जो हमारा जितना कृषि कई जगह पर जो बना हुआ है एग्रीकल्चर फार्म है, तो उन सभी जगहों पर और कृषि विज्ञान केंद्र है, उन सभी जगहों पर इसको दिखाया जा सकता है कि मौसम के अनुकूल किस तरह के पौधे का रोपण करके वृक्षा ये कर सकते हैं, आप फसल उपजा सकते हैं, फसल का रोपण कर सकते हैं। तो ये चीज लोगों को प्रेरित करना, अभी क्या हुआ है अधिक से अधिक क्या होता है, धान गेहूं और कुछ इलाकों में मक्का, बहुत कम इलाकों में बाकी सब चीज होता है दलहन तिलहन, लेकिन और पौधे का कुछ इलाकों में तो होता है, बेगूसराय वगैरह में तो होता है, लेकिन बहुत सारे जगहों पर नहीं होता, सब्जी की खेती भी होती है कई जगहों पर, तो ये सब तो हो रहा है, लेकिन जो मौसम के अनुकूल कौन सा पौधा सूटेबल, हम लोग वेट करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, तो अब धान की जगह पर कुछ और हो सकता है, कम पानी है, कम वर्षा है, वैसी स्थिति में, तो इसके लिए काम शुरू हो रहा है, और उसमें मौसम अनुकूल कृषि, और इसके लिए क्रॉप साइकिल, फसल चक्र, कौन कौन फसल आप लगाइएगा, किस महीने में, 3 महीने 4 महीने में एक फसल, उसके अलावा और कौन फसल, और कम से कम 3 फसल तो हम लोग लगा ही सकते हैं, तो उस फसल चक्र के लिए भी काम करना और फसल चक्र के लिए लोगों को प्रेरित करना, 8 जगह इसके बारे में काम करके लोगों को दिखलाया जाएगा ताकि लोग प्रेरित हों और ये उसके हिसाब से हो। तो यह भी हम लोगों के जल जीवन हरियाली मिशन का एक अंग है, मौसम अनुकूल कृषि। और इसके बाद एक की चर्चा सब लोग कर चुके हैं, 100 रुपया, अच्छा सबकी इच्छा है कि बिजली मिले, अब पहले तो कुछ बिजली थी, बीच में तो बिजली गायब हो गया था, बीच में तो बिजली की बहुत स्थिति खराब हो गई थी नहीं, और उसके बाद हम लोगों ने अब बिजली फिर कर दिया, ला दिया, हर घर 7 हिस्से में था, हर घर बिजली का कनेक्शन, जितने इच्छुक परिवार है सबको बिजली का कनेक्शन दे दिया गया। 2018 के दिसंबर का लक्ष्य था, 2 महीना पहले हम लोगों ने उस काम को पूरा कर दिया, मैं इसके लिए ऊर्जा विभाग को बधाई देता हूं, ये काम समय से पहले लोगों ने कर दिया, अब घर घर को मिल गया, अब लोग बड़ा खुश होते हैं। आप देखिए जान लीजिए, कहा जाता है 22 घंटा 21 घंटा 23 घंटा 24 घंटा, कई जगह तो कटता ही नहीं है कभी, तो इस तरह की बिजली की स्थिति हो गई है, लेकिन अब बिजली का तो सदुपयोग करना चाहिए ना। अब एक जगह की तो कहानी है ही, हमको ले जाया गया था भाई एक जगह जहां पर सौर ऊर्जा से लोगों ने पूरे गांव में बिजली की आपूर्ति की थी, तो ले जा रहे थे, ये प्रत्यय अमृत भी थे, हम उस समय अपना काम छोड़े हुए थे, लेकिन जब थे तभी हमने, हमारे पास मिलने आया था, हमने कहा एक गांव को करके देखिए, तो आया कि नहीं अब कर दिया है, ले चलिए अब चलिए, तो हम तो चलेंगे, लेकिन जाइए चलिएगा वहां, और वहां जरूर लोग कहेगा कि नकली बिजली है जो हमको असली बिजली चाहिए, हम ऐसे ही बोलते रास्ता में गए, और वहां पहुंचे तो सब जगह लोग देखे कि टांगे हुए लिखे हुए असली बिजली चाहिए नकली नहीं, मैंने सौर ऊर्जा को नकली कह रहा है। अब पूरा गांव घूम करके उसका दिल्ली से पूछे कितना दिन में इनको ग्रिड से पहुंचा दीजिए, ये कहे 15 दिन, हमने कहा मन से जरा बोल दीजिए कि 1 महीने में आपको हम ग्रिड से बिजली पहुंचा दें जिसको आप असली कह रहे, तो हो गया, लोगों ने बड़ा खुशी प्रकट की, ताली बजाई,
उसके बाद हमने बताना शुरू किया कि आप जिसको कह रहे असली वो बिजली है नकली, और जिसको आपने कहा नकली वो है असली, वही आप 6 ऊर्जा। अब तो छठ की पूजा होती है ना, लोक आस्था का पर्व है, सूर्य की पूजा करते हैं और उन्हीं की कृपा पर ये धरती है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। तो वो जो सौर ऊर्जा है वो अक्षय ऊर्जा है, और बाकी जो धरती में जो कुछ भी उपलब्ध है उसके माध्यम से आप कर रहे हैं वो तो खत्म ही हो जाएगा ना कोयला भाई आज न कल, तो कहां से ये बिजली रहेगी? ये बिजली नहीं रहने वाली। इसलिए हम लोग तो हर घर पहुंचा दी, और अब लोगों को प्रेरित करेंगे कि भाई सोलर प्लेट भी लगवाइए, और सोलर प्लेट लगा करके सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करिए। और ये काम हम लोग सरकारी भवन से शुरू कर रहे हैं, तो ये सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उसका प्रोत्साहन, और इससे जो अभी जो ऊर्जा की का निर्माण आप करते हैं उसकी बचत होगी। और हम लोगों ने तो बहुत तय कर लिया, 2 जगह जहां थर्मल पावर प्लांट लगना था वहां हम लोगों ने सोलर पावर प्लांट का लखीसराय और भागलपुर जिले में स्थान तय था पहले से, उसके बारे में हम लोगों ने तय किया और लोगों को प्रेरित करेंगे। तो ये अक्षय ऊर्जा के लिए काम, ये 10 काम इसके माध्यम से होगा, और 11वां काम इसका अभियान चलाना। सिर्फ काम करिएगा और लोगों को इसके बारे में पूरे तौर पर एहसास नहीं कराइएगा, लोगों को प्रेरित नहीं करिएगा तो आप कुछ भी कर दीजिए इसका असर नहीं पड़ता। इसलिए ये अभियान भी साथ साथ चलता रहेगा। तो 11 इसका अंग है जल जीवन हरियाली अभियान का, ये काम शुरू है। और आज जो यहाँ पर ये काम शुरू कर दिया गया है, और जो स्थिति है, जो पूरा ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति आ रही है, जिस तरह से काम हो रहा है उसके चलते आपको आप देख रहे हैं, भाई गाड़ी में चलते हैं डीजल पेट्रोल सबका जो चलता है, और कोई कोई तो किरासन तेल उसमें मिला देता है टेम्पो में, तो सबको पता नहीं भाई ठीक से। अब किरासन तेल की आपूर्ति धीरे धीरे घटती जा रही है, घटता है तो कुछ लोग इसका पॉलिटिकल चीज शुरू कर देता है, अरे अब हर घर में बिजली पहुंचा दी है तो किरासन तेल क्या कौन काम। लेकिन फिर भी अभी हम लोग छोड़े हुए हैं, लेकिन अब कई जगह वो किरासन तेल का उपयोग नहीं दुरुपयोग हो रहा है, लोग उसको इसके साथ मिला करके डीजल और वगैरह के साथ मिला करके और भी, तो इससे तो और ज्यादा नुकसान हो रहा। जिसको कहा जाता है कितने तरह के गैस का निर्माण हो रहा, और तो दुनिया भर में संकट आया है इसमें कोई शक नहीं, ग्लेशियर सिकुड़ते चले जा रहे और रेगिस्तान फैलते चले जा रहे, ये स्थिति दुनिया भर का दृश्य हो रहा है। तो हम लोगों को तो देखना है इन सब चीजों को, और हम लोगों को यही काम करना है कि साहब सब तरह से आप जानते हैं हम लोग तो कितना दिन से, तो 2-3 महीना से जब हाउस था चल रहा था, उसी बीच में हमको परिवहन विभाग ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है आप अगर चलते तो अच्छा रहता। हम क्या इससे अच्छी बात क्या है, हम चलो तो हम उसी पर चल रहे हैं पटना शहर में। अब तो वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी ऐसा नहीं बना है कि बहुत दूर की यात्रा और बहुत कर सकते, लेकिन शुरुआत तो हो गई, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की शुरुआत। तो इस तरह से हर क्षेत्र में हम लोगों को करना पड़ेगा, हर एक क्षेत्र में इस काम को करना पड़ेगा, नहीं तो उसके चलते पर्यावरण पर जो संकट आ रहा है और जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन होता रहेगा। तो इसलिए हम इतना ही, अब हमारे जो वन विभाग है वही उनका चेहरा यहाँ पर देख रहे हैं, अब उनको ही हम देखेंगे, अब पूरा का पूरा ये उब रहे हैं, मुंह इनका चल रहा था तो ज्यादा देर बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ही लोगों को जबाई आ जाएगा, तो हम समझते हैं जबाई आने का मतलब है दिमाग डाइवर्ट पक्का है जबाई का भी। बात आपको नहीं अनुरूप हुआ तो जबाई आएगा, नहीं कि जबाई इसलिए आएगा कि भाई बेकार बैठे हो। तो इसलिए बहुत ज्यादा जल जीवन हरियाली है, अब उसमें आप लोगों को और सब लोगों को सोचना पड़ेगा। अच्छा भाई तभी नहीं आएगी जब मन आपका रहेगा कि ये बहुत जरूरी है और इसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा और लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा। तो हम तो इसी चीज में विश्वास करते हैं और ये काम कर रहे हैं, और आज तो इतनी योजनाओं का
काम प्रारंभ कर दिया गया और कुछ योजनाओं का बीच में तो आप जानते ही हैं बिहार की जो स्थिति आई, शुरू में तो आ गया फ्लैश फ्लड कुछ जिले में, उसके बाद सूखा की स्थिति, और तब फिर गंगा नदी का जल स्तर ऊंचा हो गया, और फिर कई जिलों में फिर से इतना वर्षापात हुआ, अति वर्षापात के चलते पानी बाढ़ की स्थिति आ गई, पटना शहर के कई इलाके प्रभावित रहे। तो ये स्थिति है, ये किस चीज का प्रतीक, ये जलवायु परिवर्तन का ही प्रतीक। तो हम लोग तो एक ही काम की शुरुआत करने वाले थे, ये स्थिति आई कि पूरा परिवर्तन हो रहा है। और आजकल देख लीजिए भाई, अभी भी बादल छाया हुआ, ये सब समझ लीजिए, ये सब अच्छा चीज नहीं है, कुछ लक्षण नहीं है। वैसे तो बड़ी अच्छी बात है, तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, वर्षा होती है स्वाति तक, लेकिन जितने दिन से हम देख रहे हैं कि भाई बादल छाया हुआ है, तो कुल मिलाकर के मान लीजिए, जान लीजिए कि ये जलवायु परिवर्तन की निशानी, उसी का ये प्रतीक। इसलिए हम लोगों को बहुत तेजी से काम करना है, और एक एक चीज में, और अपने यहाँ किसी तरह का संकट उत्पन्न न हो। और आप तो जानते हैं, अगर कोई संकट झेलते हैं तो हम लोग आपदा पीड़ितों की पूरी सहायता करते हैं, हम लोग मदद के बाद नहीं आते, पूरे तौर पर सहयोग करते हैं और मदद करते हैं। लेकिन जब आपदा पीड़ित होते हैं तो ये तो अलग बात है। अगर इसके लिए हम लोगों ने जलवायु परिवर्तन में कमी लाने के लिए अपने यहां अगर पूरा प्रयास करेंगे, तो हम समझते हैं बिहार की स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी, और जो जल स्तर नीचे जा रहा है उसका संकट नहीं आएगा, और जो हरियाली आ जाएगी उसके चलते ससमय वर्षापात होगा। आज समय पर वर्षा नहीं हो रही, यह आप सबको मालूम, या तो खूब वर्षा हो रही है या नहीं वर्षा हो रही है, महीने का गैप रहता है। तो वैसी जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, तो इसलिए सब चीजों को सोच करके जो हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत की है, और मिशन मोड में काम हो रहा है, जिसके बारे में आप सब लोगों को बता दिया गया है, जानकारी दे दी गई है, और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में राज्य परामर्शदात्री समिति होगी, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष 15 विधानसभा के माननीय सदस्यों को मनोनीत करेंगे, और बिहार विधान परिषद के सभापति 5 बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों को मनोनीत करेंगे, और उसमें सभी रहेंगे, डेवलपमेंट कमिश्नर से लेकर सभी संबद्ध विभागों के जो सचिव या प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव हैं उसके सदस्य रहेंगे, और जो कुछ भी काम हो रहा है पूरे बिहार में उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे, उसके बारे में कोई परामर्श देना है तो वहां से लोग परामर्श भी देंगे, ये काम। और फिर उसके अलावे जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में काम हो रहा है, एक एक चीज को देखना, हर तरह से जो मिशन मोड में है और जो बिहार विकास मिशन बना हुआ है उसके अनुशासी निकाय के द्वारा भी इसका अनुश्रवण और मार्गदर्शन किया जाएगा। तो इसकी